स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। देखा, मैंने कहा था ये अकेली नहीं आई है, अब आप ही पूछिए ये सब क्या है। ये क्या हो रहा है त्रिशला, ये सब क्या हो रहा है? रुकिए, बंद कीजिए ये सब। कौन है ये? क्या हुआ आज? मुझे नहीं पहचाना? आप ठीक हो गई है, मतलब अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है। इसका मतलब वो अकेली नहीं आई थी, उनके साथ कोई और भी आया था जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन कौन? और बुआ ने हमसे इस बारे में छुपाया क्यों? अंश, क्या अंश, तुम यहां क्यों आ गए? गुड़िया वहां तुम्हारे बारे में पूछ रही है। पापा, वो बुआ यहां अकेली नहीं है। What? उनके साथ कोई और भी है, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन यहां कुछ तो गलत हो रहा है। अंश, ऐसा नहीं। अंश, तुम्हें क्या हो गया? अंश, तुम इतने शक्की क्यों हो गए? तुम अब भी मेरी बहन पर शक कर रहे हो? उसने गुड़िया को ठीक किया, उसके बाद भी? आप लोग प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। वो क्या? ये सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग मेरे साथ चलें। अंश, रुको तो। अंश, अंश कहां जा रहे हैं? अंश, 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 क्या साबित करना चाहते? हाँ बेटा, क्यों बात को पकड़े हुए है? मान जा ना। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंश, शक मत कर। हाँ, इतना शक तो पुलिस वाले भी नहीं करते। देखा, मैंने कहा था ये अकेली नहीं आई है, अब आप ही पूछिए ये सब क्या है। बुआ, ये क्या हो रहा है? त्रिशला, ये सब क्या हो रहा है? रुकिए, बंद कीजिए ये सब। क्या हुआ आज? मुझे नहीं पहचाना? मैं पिया की मां।
दिव्या, मोहना ने हम सच में मिस्टर रीवावंशी, यकीन नहीं हो रहा या विश्वास नहीं है कि मैं दिव्या ही हूं। मैं अपनी दिव्या को पहचान न सकूं, ऐसा हो सकता है? मेरे वापस आने का कारण सिर्फ और सिर्फ त्रिशला है। मेरी सांसें टूट गई थी पर इसकी उम्मीद नहीं टूटी, और इसकी उम्मीद की वजह से ही आज मैं आपके सामने वापस आ गई। मुझे अपनी रिसर्च में पता चला कि अगर किसी रीवावंशी की मौत किसी काली बुरी शक्ति की वजह से होती है तो उसे पुनः जीवित किया जा सकता है, और इतने साल एकांत में रह के मैं अपने आप को इसी क्रिया के लिए तैयार कर रही थी, और मुझे खुशी है कि मेरे इतने सालों की तपस्या आज काम आई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। पहले आपने मेरी बेटी पिया और अब मेरी सहेली दिव्या दोनों को लौटा दिया। दिव्या, तुम नहीं जानती दिव्या एहसान है, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम हमारे बीच में ना होते हुए भी हमारी मदद करती रही हमेशा। हम सब इतने बड़े बड़े खतरों से घिरे थे लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से हम उन खतरों से लड़ पाए। तुमने जो कुछ भी निशान जी को बताया, जो उन्हें सिखाया, सब हमारी मदद करता रहा हमेशा। और अब जब आप वापस आ गई हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि अभी कोई भी काली शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चेताली बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले पिया और निशान जी थे तो मन में एक शांति थी कि हम खतरे से बाहर हैं। अब आप आ गई हैं तो अब तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। दिव्या जी, हम पहले भी मिल चुके हैं लेकिन समधि और समधन के तौर पर पहली बार मिल रहे हैं। पिया और अंश की शादी तो नहीं देख पाई मैं, पर सच में बहुत खुश हूं कि मेरी गुड़िया आपके घर में आई बहू बनकर। अंश, मेरे वापस आने से तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
मैं बस थोड़ा शॉक में हूँ। कहा हम पिया को ठीक करने की उम्मीद में लगे हुए थे और कहा उसे जिंदगी मिल गई और माँ भी। वैसे माँ कोई और भी है जिससे आप अब तक नहीं मिली? हाँ। कौन? एक मिनट। यह हमारा बेटा है माँ, आपका नाती। हमने इसका नाम आदित्य रखा है लेकिन प्यार से हम सब इसे आदि बुलाते हैं। आजा नानी के पास। नहीं बेटा, नहीं राजा, नहीं मेरा बच्चा, नहीं। माँ एक्चुअली अगर ये डर जाता है ना तो पत्थर बन जाता है। आदि बेटा ये आपकी नानी है। आओ आओ मेरे पास। आदि कोई बात नहीं पिया, बच्चा है, मुझसे पहली बार मिल रहा है, खुलने मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।